हेलो एवरीवन, आपका दोस्त, आपका होस्ट मैं हूँ प्लम्बिंग आर्ट चैनल से। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेशर पंप लगाया गया है और प्रेशर पंप का पाइप का फिनिशिंग आप देखिए कितना फिनिशिंग से जो है कि पाइप लगाया गया है। यहाँ प्रेशर पंप के पास चेक वाल लगा हुआ है, बॉल वाल लगा हुआ है और 45 डिग्री का जो है कि यहाँ इस्तेमाल किया गया है। आपको आगे भी दिखाता हूँ, आप यहाँ देखिए, यहाँ जो है कि बैंड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ 45 डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और पाइप के ऊपर पाइप जो है कि एकदम फिनिशिंग में जो है कि लगाया गया है। हम लोग जो है इस्तेमाल जो है कि बैंड का बहुत ही कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री का इस्तेमाल किया जाए और पिलर को ना काट करके यहाँ पर जो है कि 45 डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मली जो है कि प्लम्बर इसका बैंड का या एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, कम से कम कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर बाथरूम के लिए अलग अलग चाबी लगाया गया है और आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पाइप क्यों लगाया गया है, तो ये इंजीनियर का डिमांड था कि हर बाथरूम के लिए अलग अलग पाइप हो। नहीं तो नॉर्मली हम लोग जो है कि 1.5 इंची से काम करते हैं, 2 इंची से काम करते हैं, अलग 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 पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ इंजीनियर का डिमांड था कि नहीं, मुझे जो है कि अलग अलग बाथरूम के लिए अलग अलग पाइप चाहिए, तो इसलिए करना पड़ा मजदूरी के तहत। ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्रेशर पम्प के पास का काम किया हुआ है। यहाँ भी आप प्रेशर पम्प, ये प्रेशर पंप के पास का है, दूसरे साइड से पंप का दूसरे साइड का है ये। यहाँ पे कई प्रेशर पंप लगाया गया था जिसमें से एक ये भी है और भी सारी फोटो है जो अलग अलग प्रेशर पंप का है। इस काम को करने में थोड़ा सा वक्त लगा था फिनिशिंग दिखाने के लिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी अच्छा काम होगा तो उसमें वक्त लगेगा। और ये स्टीम बाथरूम का जो है कि काम हुआ था जिसमें एसएस का जो है कि पाइप का इस्तेमाल किया गया था, हॉट पाइप पानी के लिए। और इसमें हर बाथरूम में जो है कि मतलब गर्म पानी के लिए जो है कि एसएस का पाइप का ही इस्तेमाल हुआ था। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इन अदर सोशल मीडिया पे। और ये जो आप देख रहे हैं वो कंसील टैंक है जिसे वॉल हैंग कमोड में इस्तेमाल किया जाता है, इंडियन में इस्तेमाल किया जाता है, इंडियन सीट में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसको दीवार के अंदर लगाया जाता है, इसको कंसील टैंक, वॉल टैंक दोनों बोला जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने।